अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड. ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन योर पेज नंबर 43. टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट कंजक्शंस. ठीक है कि कंजक्शंस क्या होते हैं. कंजक्शंस हेल्प इन जॉइनिंग सेंटेंसेस और वर्ड्स. कंजक्शंस हेल्प करते हैं हमें सेंटेंस को ज्वाइन करने में. इनके लिए कोई वर्ड यूज होता है, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे कंजक्शंस आर वर्ड्स विच हेल्प अस टू ज्वाइन सेंटेंसेज और वर्ड्स. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज. पिक अप द ट्रैश, पुट इट इन द ट्रैश बिन. ठीक है, अब इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगा हुआ. ठीक है, अब हम इसको कंजक्शन लगाएंगे. पिक अप द ट्रैश एंड पुट इट इन द ट्रैश बिन. हमने एंड जो है ये ज्वाइन कर लिया इस सेंटेंस को और ये कंजक्शन हो गया. ठीक है, कंजक्शन ये लगा दिया. आई वॉन्टेड टू बाय अ बार्बी डॉल, देर वर नो डॉल्स एट द शॉप. इसमें भी कोई कंजक्शन यूज नहीं हुआ हुआ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सेंटेंस को ज्वाइन कैसे करेंगे. आई वॉन्टेड टू बाय अ बार्बी डॉल बट देयर वर नो डॉल्स एट द शॉप. ठीक है, सो ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. यूज एंड इन द फर्स्ट टू सेंटेंसेज एंड यूज बट इन द लास्ट टू सेंटेंसेज. राइट द सेंटेंसेज इन योर नोटबुक. ठीक है, एंड यूज करना है फर्स्ट टू सेंटेंसेज में और बट यूज करना है लास्ट टू सेंटेंसेज में. उन्होंने पहले से ही बता दिया. एंड एंड बट आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ज्वाइनिंग वर्ड्स. ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं वर्ड्स को ज्वाइन करने में. नंबर वन, द फ्लोरिस्ट हैज रोसेस, द फ्लोरिस्ट हैज लिलीज. तो हम क्या लिखेंगे, द फ्लोरिस्ट हैज रोसेस एंड द फ्लोरिस्ट हैज लिलीज. फ्लोरिस्ट क्या होते हैं, पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज एंड कट फ्लावर्स. ठीक है. नंबर टू, आई नीड सम कलर पेंसिल्स एंड I need some crayons. ठीक है, इसका जो I होगा वो भी स्मॉल हो जाएगा और इसका जो दा होगा वो भी स्मॉल हो जाएगा. नंबर थ्री, द एप्पल्स वर स्वीट बट द मैंगोज वर सोर. नंबर फोर, अ क्रो इज ब्लैक इन कलर बट अ डव इज वाइट इन कलर. ठीक है, हमने यूज कर लिया एंड और बट. ठीक है, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपका होमवर्क है. हमने कंजक्शन ही यूज करने हैं, ब्रैकेट वाले में चूज करने हैं. ठीक है, नाउ कम टू पेज नंबर 44. अनदर कॉमनली यूज ज्वाइनिंग वर्ड इज बिकॉज. ठीक है, सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए बिकॉज भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट गो आउट, आई वॉज नॉट वेल. ठीक है, इसमें हम यूज करेंगे बिकॉज. ठीक है, आई डिड नॉट गो आउट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल. ठीक है, एक्सरसाइज देखें. ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग बिकॉज. राइट द सेंटेंसेज इन योर नोटबुक. या आपने बुक पे ही करने. ठीक है, हम बिकॉज यूज करेंगे इन सेंटेंसेज में. नंबर वन, ही कुड नॉट फिनिश हिज होमवर्क बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज बुक. नंबर टू, जॉन केम लेट टू स्कूल बिकॉज शी हैड मिस्ड द बस. नंबर थ्री, आई कुड नॉट बाय द गिफ्ट बिकॉज आई डिड नॉट हैव इनफ मनी. नंबर फोर, निगल डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले बिकॉज ही वॉज एंग्री विद हिज फ्रेंड्स. ठीक है, नंबर बी एक्सरसाइज देखें. कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर नोटबुक आफ्टर ज्वाइनिंग दैम विद एंड बट बिकॉज. ठीक है, अब हमने एंड बट और बिकॉज यूज करना है. नंबर वन, द कार क्रैश्ड इन टू अ ट्री बट द ड्राइवर वॉज नॉट हर्ट. नंबर टू, आई डिड नॉट ईट माई टिफिन बिकॉज जडी गेव अस ऑल अ ग्रैंड पार्टी. नंबर थ्री, मैरी कट द बर्थडे केक एंड वी ऑल सैंग द बर्थडे सॉन्ग. नंबर फोर, आई फेल ऑफ माई बाईसाइकिल एंड आई इंजर्ड माई नी. ठीक है, तो हमने यूज कर लिया बिकॉज भी यूज कर लिया एंड और बट की यूज कर लिया. नाउ कम टू पेज नंबर 45. यूज एंड बट बिकॉज टू कम्प्लीट द स्टोरी गिवन बिलो. राइट द स्टोरी इन योर नोटबुक. बुक पे ही आप लोगों ने करना है. इट वॉज जॉन्स बर्थडे. हिज पेरेंट्स अरेंज्ड अ पार्टी फॉर हिम एंड हिज फ्रेंड्स एट अ रेस्टोरेंट. Cal wanted a strawberry ice cream because he did not like any other taste. Amanda did not eat anything because she had a stomach ache. ठीक है, Tani ordered a chicken burger, French fries and a Coca-Cola, but she could not finish it. All the childrens enjoyed the party. तो हमने इसमें and, but और because use कर लिया. ठीक है,